हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे बसे हुए प्रोजेक्ट पे जहाँ पे आज ही आप मकान बना सकते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऐसा प्रोजेक्ट बनाए बताएं जहाँ पे हम आज ही मकान बना लें, बिल्कुल पूरा बसा हुआ और दिल्ली के नज़दीक हो। तो आज ऐसा ही एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ आपके लिए जो बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक है और पूरा बसा हुआ है। ये आप देख रहे हैं पूरा चलता हुआ रोड है, पूरे मकान वगैरह सब बने हुए हैं यहाँ पर और ये सब पूरा देखेंगे दूर दूर तक पूरा बसा हुआ है। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसी को मैं दिखाने वाला हूं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, सिर्फ एक क्लिक करना पड़ता है, फ्री में होता है, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहें। ये देखिएगा पूरा बसा हुआ है, पूरा लोगों ने यहाँ पर ख़रीदे हुए हैं सब, और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जो पोल्यूशन रहित हो और दिल्ली के आसपास ही हो, बिल्कुल दिल्ली से ज़्यादा दूर ना हो। तो ये दिल्ली से मेन मानिए कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से लगभग जो था 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जैतपुर गड्ढा कॉलोनी है, इसके सामने बसंतपुर पड़ता है, ये बसंतपुर का पार्ट टू है। फरीदाबाद में बेसिकली ये जगह लगती है और यहाँ पे रेट्स भी बहुत सस्ते हैं, बहुत रीजनेबल हैं। यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं मकान, ले सकते हैं, लेके आज ही यहाँ पे आप अपना मकान बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, रहने के लिए भी अच्छा है। ये सारा पूरा देखेंगे 22 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है जो अभी चल रहा है और इसमें लगभग समझिए कि 80% इसमें जगह बुक हो चुकी है, बिक चुका है 80%। सब देख रहे हैं लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मार्केट वगैरह बनी हुई है, दुकानें बनी हुई हैं, मकान बने हुए हैं, सब कुछ ये सब बनने लग रहा है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं, अभी लोग रह भी रहे हैं। ये सामने देखेंगे पीछे अगर इसके ये हाई राइज अपार्टमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है, चारों तरफ से पूरा बसा हुआ है। और ये सामने देखें ये मकान बनने लग रहा है, इधर ये मकान वगैरह सब बने हुए, बिल्कुल पॉल्यूशन रहित है, एकदम साफ़ सुथरी खुली आबोहवा है, ऑक्सीजन यहाँ पे काफ़ी मात्रा में है, जो दिल्ली NCR में अमूमन ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। पे आप लोग मकान ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, प्लॉट लेके बना सकते हैं अपना, और आप जितना फ्लोर बनाना चाहें, ग्राउंड प्लस यहाँ पे जो था ग्राउंड प्लस 250 आप बना सकते हैं। ये देखिए पूरा बिल्कुल डेवलप एरिया है, यहाँ पे रोड, बिजली, पानी, ये जो सारी सुविधाएं हैं ये कंपनी करा के देगी, रॉयल डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड है, और ये लोग यहाँ पे पूरा काम कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए दूर दूर तक यहाँ पे देखेंगे चारों तरफ से ये बसा हुआ है, पूरा 22 एकड़ का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत साफ़ सुथरा है। और मैं हमेशा जैसे कि आपसे कहता हूँ कि कोई भी कंपनी में कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप आएँ देखें, लीगलिटी वगैरह चेक करें पूरी प्रॉपर, और लीगलिटी चेक करके तब आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट बहुत शानदार है, जानदार है, और रेट की अगर यहाँ पे बात करें तो रेट भी देखा जाए तो बहुत ही रीजनेबल हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप कोई भी अगर प्लॉट लेते हैं तो आपको ये 30 फीट का रोड है पूरा का पूरा। यहाँ पे जो रेट हैं 14,000 रुपये के रेट हैं, 14,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में आपको यहाँ पर मिल जाएगी ज़मीन। और सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर सिर्फ जो था ना 10% देकर अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, यानी आपको पहले 10% देना है, अगले फिर 15 दिन के अंदर 15% और, यानी टोटल 25% देने के बाद आपका जो था प्लॉट के ऊपर कब्जा हो जाएगा। बाकी आप इस प्रोजेक्ट में 1.5 साल की यानी 18 महीने की किस्तें दे सकते हैं, ब्याज मुक्त किस्तें हैं, कोई ब्याज नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। कोई भी आप देखेंगे जैसा ये मेन रोड है, इस मेन रोड से 16-16 फुट की गलियां गुजरी हैं, 110 गज का इस मेन रोड पे प्लॉट है, और इस मेन रोड पे जो भी प्लॉट होगा 110 गज का होगा, उसमें रहेगा आपका 110 गज के प्लॉट कॉर्नर प्लॉट रहेगा, बहुत बढ़िया प्लॉट है। ये पूरा बसा हुआ है, सामने देखें 22 एकड़ जो अभी इसमें से कटा है, जितना लोगों ने बना लिए मकान
बहुत अच्छी लोकेशन है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। और मात्र जोधा कुल ओनली 14,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड में। कॉर्नर का प्लॉट यहाँ पे मैन 30 फीट पे मिल जाएगा, 110 गज का प्लॉट है। 110 गज के प्लॉट में कॉर्नर प्लॉट 30x33 का साइज रहता है। जैसे कि मैं आपको अगर ये प्लॉट दिखाऊं, आप ये प्लॉट देखिएगा, ये प्लॉट जो था हमारा 30x33 का है, 30 फीट रोड पे है। और ये इस तरह से, जैसे कि ये हो गया, इसके बराबर यहाँ से निकलेगी 16 फीट की गली है। फिर ये दूसरा इसके बराबर में एक और 30x33 का प्लॉट होता है, फिर इसके बराबर से 16 फीट की गली निकलती है। तो इसी तरह सारे प्लॉट्स हैं, कॉर्नर प्लॉट भी हैं और नॉर्मल प्लॉट भी हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर प्लीज़ कॉल करें या डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी लिंक वगैरह और वीडियोज़ का भी हमारा चेक कर सकते हैं, जो कि हम पूरे दिल्ली NCR की प्रॉपर्टीज़ का सबका वीडियोस वगैरह बनाकर लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।